नमस्कार प्रशिक्षु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग यह रेगुलर वीडियो डेली 12 बजे मैथ डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का फॉलो कर रहे होंगे। अभी तक यह क्लास नंबर अभी तक मैंने 8 चैप्टर तो कंप्लीट कर लिए हैं। फिलहाल में यह PYQ में बीच बीच में लाने का भरपूर प्रयास करूँगा आपके लिए कि जिससे कि आप मोटिवेट रहें। 8 चैप्टर मैंने कम्प्लीट कर लिया है, यानी कि लगभग आधे पड़ाव तक हम लोग पहुँच गए हैं, समझ रहे हैं ना। तो उस बीच में मैंने एक 2016 का मैथ का पेपर मैं कराने का भरपूर प्रयास करूंगा। ये MCQ है 5, फिर इसके बाद अति लघुत्तरी लेंगे 10, फिर उसके बाद मैं आपके सामने लघुत्तरी लूँगा 8। तो इस तरह से आपका 2016 का पेपर आज मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। फटाफट आप सभी लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पर जुड़ जाएँ। और आज से ही मैंने UPTET के भी क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं मैथ वाले, उसको देखना शुरू कर दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, किसी संख्या के वर्गमूल में कितने अंक हैं, केवल 2 अंक हैं, तो वह संख्या कितनी अंक की हो सकती है। किसी संख्या का वर्गमूल 2 अंक का है, वर्गमूल जैसे कि वर्ग की बात नहीं कर रहा है। अगर मैं कहूँ किस संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो सबसे बड़ा 2 अंक वाला वर्ग कौन सा है। 2 अंकों का सबसे बड़ा तो 99 ही होगा ना, तो 99 का वर्ग क्या हो सकता है। आप खुद देखो, अगर मैं कह दूँ किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, तो वर्गमूल जो यहाँ पर आया है, यहाँ पर केवल 2 अंक आया है, केवल 2 अंक आया है, तो वह संख्या कितनी अंक की हो सकती है। अगर 2 अंक का है तो वह संख्या 81 हो सकता है, सबसे छोटा ये तो 9 का होगा, 100 हो सकता है कि नहीं हो सकता। 100 का मतलब कि 10, 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10, एक तो यह हो गया। यानी वह संख्या जो है सिर्फ 2 अंक का है, जो वर्गमूल यहाँ पे है, तो पूछा जा रहा है जो वर्गमूल आप ले रहे हैं सर ना, वो कितने अंक का है। तो देखिए 1, 2, 3 अंक का हो सकता है, और कितने अंक का हो सकता है बताओ भाई। मैं कह दूं अगर 1044 1069 रख दूं, 1069 1000 मैं ऐसे बढ़ाते चलूं, मान लीजिए मैंने रख दिया क्या 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600 रख दिया। तो 1600 जब मैंने रखा यहाँ पे, 1600 जब मैंने रखा तो 1600 का मतलब कितना हुआ, 1600 मैंने लिखा तब भी तो 40 आया। आप खुद देखो, 1600 रखा तब भी तो 40 आया। यानी कि अगर पूछा जा रहा है कि वर्गमूल की संख्या कितने अंकों की हो सकती है, तो चाहे 3 अंक का होगा चाहे 4 अंक का होगा, तभी तो 2 अंक का वर्गमूल बनेगा। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, वर्गमूल में, वर्गमूल में इसका मूल जो आ रहा है केवल 2 अंक का है, तो यह भी 2 अंक का है, यानी कि वह संख्या कितने अंक की होगी जो अंदर है रूट के, तो 1 3 अंक का हो सकता है या फिर 4 अंक का हो सकता है, तभी तो कम से कम 2 डिजिट मिलेगा हमें वर्गमूल में। तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर, राइट सही, इसमें दिया है ऑप्शन में 1 अंक या 2 अंक की, 2 अंक या 3 अंक की, 3 अंक या 4 अंक की, 4 अंक या 5 अंक की, तो 2 अंक या 3 अंक या 4 अंक की, 3 अंक या 4 अंक की आपकी संख्या होगी जिसका वर्गमूल 2 अंक मिलेगा मुझे, समझ गए ना। इसका उत्तर यह हुआ, राइट, समझ में आ गया होगा आशा करते हैं बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, 3 सही 3/8 का घनमूल बताइए। बताइए ये क्वेश्चन हमने किया है कि नहीं किया है, बिल्कुल ईमानदारी से बताइए बच्चों, जो बच्चे डेली देखते हैं क्लास को। 3 सही 3/8 का हमको क्या बताना है, घनमूल बताना है, घनमूल बताना है, तीसरा मूल। तो 8 3 24 और 3 27, 27/8 बच्चों, यही हूबहू क्वेश्चन हमने किया है। बताओ 27 का मतलब क्या हुआ, 27 का मतलब हुआ बच्चों कि 3 का मल्टीप्लाई 3 बार, और नीचे 8 का मतलब हुआ 2 का मल्टीप्लाई 3 बार, और नीचे घनमूल है तो यहाँ पर घनमूल लगा दिया हमने। 1 2 3 3 बार आया है 3, तो 1 3 बाहर, 1 2 2 मतलब 1 2 3 3 बार 2 भी आए तो 1 2 बाहर, तो 3/2 इसका उत्तर हो जाएगा। बताओ बच्चों, बहुत फास्ट एंड फॉरवर्ड करो आप, बहुत तेज़ी से करो क्वेश्चन को, जो आता है उस पर टाइम वेस्ट मत करो। अगला देखते हैं, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर हो तो भुजा भी बताएं। भुजा नहीं पूछा था, खैर क्षेत्रफल पूछा है कि वर्ग की क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता है किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी वर्ग का जो भुजा होता है वह a सभी साइड बराबर होते हैं। विकर्ण जो होता है, विकर्ण का वाला फॉर्मूला क्या आता है, a√2 आता है, कितना आता है, a√2 आता है, तो वही a√2 भुजा का, भुजा √2 बड़ा लिखते हैं, a√2 की वैल्यू कितना दिया हमें, 5√2 दिया है, तो √2 √2 से कट गया, यानी a की वैल्यू, भुजा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गया।
अगर भुजा पूछा होता तो मैं बता देता भुजा 5 है, लेकिन पूछा गया है क्षेत्रफल बताइए, तो किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुड़े भुजा होता है, यानी 5 × 5 यानी कि 5 25 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। देखिए अभी हमने साइन थीटा कॉस थीटा का नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी आपके पेपर में आ गया तो पेपर पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे से देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 दिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है बच्चों आपको पता होना चाहिए, यह 90 डिग्री है। 90 डिग्री जब सामने क्या होता है, कर्ण होता है, जिसे हाइपोटेनस बोलते हैं इंग्लिश में, कर्ण होता है। अगर यहाँ पर थीटा हम ले लें तो थीटा के जस्ट सामने लंब होता है, और यह बचा हुआ जो है आधार होता है, आधार। तो बोला जा रहा है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा बराबर होता है बच्चों ना, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ पे दिया है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/√2, या 1/√2 में जो कॉस की वैल्यू होती है बच्चों कितना होता है, याद करना पड़ेगा डायरेक्ट, ये होता है कॉस 45 डिग्री की वैल्यू, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री, कितना गया बच्चों, 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि थीटा की जगह 45 आ गया, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर देंगे, तो 1/√2 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, लेकिन इसमें कोई समझाने वाली बात है ही नहीं, आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे ही करना पड़ेगा बच्चों। थोड़े से अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से कमेंट कर सकते हैं, एक बार मैं फिर से कराऊंगा, मैराथन लूंगा, तो सभी 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, समझ रहे हैं ना, उन सबको मैं करा दूंगा बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि मैं 2 बार कराऊँ, 3 बार कराऊँ, 4 बार, लेकिन आप लोग पढ़ें, अच्छे अंक लाएँ और पहले बार में ही मैथ में पास हो जाएँ बच्चों, क्योंकि DLED में मैथ पास करना बच्चों के लिए दुविधा हो जाता है, क्योंकि बच्चों का बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग होता है ना, BA करके आ जाते हैं बच्चे। अब देखिए ACB बराबर 40 डिग्री दिया बच्चों, आप लोग कमज़ोर नहीं हो भाई किसी से, ACB में फिगर थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, यह आपका सेंटर पॉइंट है, यह आपका एक लाइन ऐसे दिया है यहाँ से, ठीक है ऐसे बच्चों, आपको मैं थ्योरम पढ़ाऊँगा, ये थ्योरम पे आधारित क्वेश्चन है, यह वाला दिया 40 डिग्री आपसे पूछ रहा है, यह वाला बताओ बच्चों। देखिए मैं बता दूँ, अगर इसको आगे बढ़ाऊँ बच्चों ऐसे ना, तो ये एक पैरेलल लाइन बनेगा, और ये अभी एक पैरेलल लाइन बनेगी, दोनों एक पैरेलल लाइन बने, इन पैरेलल लाइन को काटने वाली एक ये लाइन है ना, जो बच्चों ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा, समझ में आ रहा है, ध्यान से समझिएगा हमारी बातों को, ये वाला जो एंगल होगा बच्चों इस वाले एंगल के बराबर, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 40 और ये परपेंडिकुलर तो 90 हो गया, यह 90 और 40 कितना हो गया, 90, हम त्रिभुज का नाम लिख देते हैं ABCD, ठीक है बच्चों, ऐसे ही इसको मत देखो, बस इस पर फोकस कर लो समझने पर, यह पैरेलल हुआ बच्चों तो ये भी पैरेलल हुआ, यह 40 यह 40 एकांतर कोण बोलते हैं, है ना, क्योंकि OAB बराबर BDC, एंगल BDC ऐसे लिख देना है आपको, बराबर 40 डिग्री, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण, एकांतर कोण से बराबर हो गया, एकांतर कोण से बराबर हो गया। अब हमें पता है कि यह 90 डिग्री होगा बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि OBA या 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर ही होगा, बाइसेक्ट करेगा तो, और किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज किसमें, OBA में एंगल O हमको बताना है कितने का होगा, और हमें पता है एंगल A कितने का है, 40 डिग्री, और एंगल B कितने का है हमें पता है, 90 डिग्री है, यह 40 डिग्री का है या 90 डिग्री का, और इन तीनों का योग त्रिभुज में 180 डिग्री बनाता है, आपको पता है ना, तो आप तीनों को जोड़ेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O बराबर 180 डिग्री, तो एंगल A की वैल्यू 40 डिग्री, एंगल B का 90 डिग्री, और एंगल O हमें पता करना है, 180, 90 40 130 होगा, तो 150 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा बच्चों, 130 उधर जाएगा, तो एंगल O बराबर 180 माइनस 130 कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आपका यह वाला कितना हो जाएगा बच्चों, 50 डिग्री आपका उत्तर होगा। बताओ, हम आ जाते हैं अति लघुत्तरी वाले प्रश्न पे, फटाफट आप इसको छाप लीजिए, ये अच्छे प्रश्न हैं, हम कराएंगे ज्योमेट्री अच्छे से कराएंगे बच्चों, घबराने वाली बात नहीं है, चलिए छापिए इसको। चलिए बच्चों आगे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, अति लघुत्तरी के 10 क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं अभी हम लोग करेंगे ही सारे के सारे, मतलब कि 4 इसमें हमने लिख दिया है, 1 2 3 4 और 1 2 क्वेश्चन और लिखने हैं, यानी 6 क्वेश्चन हैं अति लघुत्तरी के, इसके बाद 2 2 4 2 6 क्वेश्चन हैं आपके लघुत्तरी के बच्चों, ठीक है ना, करिए इसको।
संख्याओं 1, 0, 5, 0, 7, 0, 8, 9 में बहुलक क्या है? मॉड। बहुलक का मतलब जो सीरीज दिया गया रहता है, इसको मैं पढ़ाऊंगा अभी, माध्यमादिका बहुलक। तो बहुलक वह संख्याएं होती हैं जो उस सीरीज में ज़्यादा बार रिपीट की गई होती हैं। जैसे जीरो मैक्सिमम बार आया, 1, 2, 3 बार आया है, तो इस सीरीज का बहुलक क्या हो जाएगा बच्चों? बहुलक हो जाएगा आपका जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे यह क्वेश्चन बताइए, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने किया है कि नहीं किया है घनमूल वाले चैप्टर में? बिल्कुल किया गया बच्चों। आपके देखिए जो भी आप प्रैक्टिस किए हो वह खाली नहीं जाने वाला है, आपको फोड़ कर ही आना होगा। इतना मैं प्रैक्टिस करा दूंगा बच्चों आपको लास्ट तक। क्यूब बताना है, इस क्यूब इसका मतलब क्यूब रूट बताना है। 125 का मतलब आप क्या करोगे नीचे बताओ? 5 का मल्टीप्लाई 3 बार फैक्टर, और ये 343 7 का होता है मल्टीपल, 7 का गुणा 3 बार। यहाँ पे क्यूब है, क्यूब लिखना ना भूलना, नहीं तो स्क्वायर समझ जाएंगे वही एग्जामिनर। ये 7 का, यहाँ 7 का 3 बार गुणा हुआ है, 5 का 3 बार हुआ है, तो 1 5 बाहर आएगा, 1 7 बाहर आएगा, 7 5 35 आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों, ना किसके लिए? क्वेश्चन नंबर इस वाले के लिए। फटाफट छाप लीजिए, इरेज कर देता हूँ क्वेश्चन को, कर लेंगे, हमारे बच्चे होशियार हैं भाई, आप लोग तो होशियार चंद्र हो चुके हो अब तो, ना डीएलिट मतलब अच्छे से पढ़ लो, बस यूपीटेट भी फोड़ोगे बच्चों। एक लंब वृत्ति बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। एक लंब वृत्ति बेलन है मतलब 90 डिग्री पर रखा गया है, लंब वृत्ति का मतलब यह बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या इस कितना है बच्चों? बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, मतलब यह दूरी जो रेडियस है मतलब वह 5 दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, और ऊंचाई जो है हाइट यह वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट जो है कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर दिया है। तो वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ मतलब इस चारों तरफ का, याद रखना मैं बताऊंगा अच्छे से, लेकिन क्वेश्चन में वक्र पृष्ठ पूछा है तो वक्र पृष्ठ ही मैं केवल बताता हूँ। इसमें मैं मेंसुरेशन कराऊंगा, लास्ट चैप्टर आपका मेंसुरेशन, लगभग 18वां या 19वां चैप्टर है। बेलन के वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है मेरे भाई, वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है 2πr into h। 2π की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, R की वैल्यू आपके पास 5 दिया है, और H की वैल्यू दिया है 14। 7 × 7 = 14, 5 × 10 = 10 × 20, तो आपका उत्तर क्या आ जाने वाला है यहाँ पे? 22 × 20, 5 × 10 = 20, हाँ 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 के आगे 0 लगा दीजिए, मीटर स्क्वायर लिख दीजिए बच्चों, मीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो 440 मीटर स्क्वायर आपका उत्तर हो जाएगा। छाप लीजिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, छापिए जल्दी, छापिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपको समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन कितने आसान आते हैं डीएलएड में? अब ये मत कहना सर 2016 का है तो कहाँ से इतना आसान आएगा, भाई डीएलएड ही है, अब आइए इसका पेपर थोड़े हो जाएगा, तो जैसे क्वेश्चन आते थे वैसे ही आएंगे, इसमें घबराने की बात नहीं, हो सकता है कैलकुलेशन थोड़े से हार्ड कर दें। ये मत सोचना कभी कि बहुत पुराना था, अब नया, अब थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। जो एग्ज़ाम है उसी लेवल का एग्ज़ाम लेगा ना, जो आपका जो पढ़ रहा है उसी लेवल का एग्ज़ाम ले लेगा, उससे ज़्यादा हाई लेवल का थोड़े लेने लग जाएगा, तो सिलेबस से ही आएगा सब कुछ, सिलेबस तो आप पढ़ के ही जा रहे हो। 9/49 का a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना है सिर्फ। 9 का मतलब 3/7 a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया, 3/7 a माइनस 2b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3/7 a प्लस में 2b दूसरे ब्रैकेट में, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस b इंटू a प्लस बी, उस पर लगाना था, लगा लीजिए बच्चों। इसके बाद तीन और क्वेश्चन बचे हैं शॉर्ट वाले, तो इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे लॉन्ग वाले पे। इरेज करें, बताओ भाई, आनंद आएगा बच्चों आप लोग को। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, सिर्फ समचतुर्भुज का बच्चों पूछा गया है, 10वां क्वेश्चन है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज क्या होता है यही कितने बच्चों को नहीं पता होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। दूसरा है बच्चों 11 नंबर का, यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि याद करिए, तो वृत्त की परिधि बताइए बच्चों। देख लीजिए मात्रा पे मत जाना, अब इसके बाद लघुत्तरी स्टार्ट हो गया है।
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? समचतुर्भुज कैसे बनता है? वर्ग ही होता है, जैसे वर्ग होता है सभी साइड बराबर होते हैं ना, उसमें डायगोनल जो होता है बराबर होता है, लेकिन इसमें डायगोनल बराबर नहीं होता बच्चों। डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे कट तो करते हैं लेकिन बराबर नहीं होते, इनकी दूरियां बराबर नहीं होती लंबाई। यह भी ए होगा, यह भी ए होगा, यह भी ए होगा, यह भी ए होगा, यह ध्यान रखना। इसमें डायगोनल दो होते हैं, डी वन इंटू डी टू, एक डायगोनल डी वन होता है, एक डी टू होता है, क्योंकि दोनों की लंबाई अलग अलग होती है। तो इसका फार्मूला याद रखना, समचतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है, एरिया वाला क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बच्चों, डी वन इंटू डी टू अपान में टू होता है। अगर कभी कभी मान लीजिए डी वन डी टू दे दिया है, भुजा पूछ रहा है, तो भुजा के लिए फार्मूला हो जाता है 4a का स्क्वायर बराबर डी वन का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर। यहाँ से हम क्या निकालते हैं, भुजा निकालते हैं। देख लीजिए डायरेक्ट फार्मूला ये पूछ रहा है, यानी कि आपको फार्मूले पे विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। ये आपको याद कराना चाहता है कि फार्मूला भी आप याद करिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं तिलकुत्री में। यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि बताइए। किसी भी वृत्त का व्यास, वृत्त है एक, इस वृत्त का व्यास, इस वृत्त का व्यास कितना है बच्चों? 14 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर बराबर डी बाई टू, डी व्यास है तो 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि पूछ रहा है। किसी वृत्त की परिधि क्या होती है? जो परिधि ही तो उसकी, एक मिनट, परिधि ही तो उसकी क्या होती है? सरकमफ्रेंस इसे कहते हैं। तो 2πr, परिधि का मतलब 2πr, 2×22/7, पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पे 7 आ गया आर की वैल्यू, 7 से कट गया बच्चों, 2×4 सेंटीमीटर लिखना, क्योंकि परिधि पूछा है। यहाँ पे एरिया पूछा होता तो पाई आर स्क्वायर 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 7×7 दो बार लिखना पड़ता, फिर 7 से गया, 7×2=4, 7×14=15, यहाँ पर आ जाता आपका सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, 154। तो यह एरिया या परिधि। चलिए अब आ जाते हैं लघुत्तरी पे फटाफट। सॉल्व हो गया बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं हम लोग, जो कट रहा होगा या फिर जो नहीं दिख रहा होगा उसको मैं बोलूँगा और फिर से लिख दूंगा ना, घबराने की बात नहीं। देखिए पहला यह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी, पढ़ाएंगे घबराना नहीं है, पढ़ेंगे हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज में, इस तरह से जब चतुर्भुज बनता है वृत्त के अंदर उसे चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। कोण बी की वैल्यू 95 डिग्री दे दिया है और बोला है कोण ए बराबर कोण सी, यह वाला दोनों बराबर होते हैं यह बोल दिया, और कोण ए का मान पूछ रहा है, कोण ए का मान बता दो। मेरे भाई आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज में हमेशा इस वाले कोण का आमने सामने जो कोण होते हैं उन दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए, यानी कि कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कोण बी की वैल्यू 95 डिग्री है तो कोण डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। कोण डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 -95 यानी कितना हो जाएगा? 85 डिग्री होगा। क्या देख लो, 85 डिग्री हो जाएगा, यानी कि यह वाला कितना हो जाएगा बच्चों? यह 85 डिग्री होगा। और बोला जा रहा है कोण ए बराबर कोण सी है, हमें पता है कोण ए प्लस कोण सी का जो एडिशन होता है वह 180 डिग्री होता है। अब कोण ए कोण सी जब बराबर है, दोनों को एक्स एक्स मान लें, यह भी एक्स यह भी एक्स, दोनों बराबर हो गया, यानी 2x = 180 डिग्री, तो x बराबर 90 डिग्री, यानी एक यह भी 90 होगा यह भी 90 होगा। इस तरह से कोण ए का मान भी पता चल गया 90 डिग्री और कोण डी का मान 85 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्लियर है बातें? दिख तो रहा होगा भरपूर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आप लोग छापिए तब तक। बिल्कुल दिख रहा है, थोड़ा मोड़ा इधर से कट रहा है तो मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो लिखा गया है, इसके बाद दो क्वेश्चन और रह जाएंगे, इतने के बाद दो क्वेश्चन और रह जाएंगे। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 15 मीटर एक है, एक 8 मीटर है, उनके बीच की लंबवत दूरी 12 मीटर है, तो क्षेत्रफल बता दो समलंब का। कितने बच्चों को तो समलंब चतुर्भुज ही नहीं पता होगा क्या होता है, ट्रेपोजियम जिसे कहते हैं। समलंब का मतलब बच्चों यह होता है, इनके बीच की दूरी यह होती है, समांतर भुजाएँ जो होती हैं यह समांतर भुजाएँ हैं। बड़ा वाला 12 है और एक मिनट, बड़ा वाला 15 है और छोटा वाला 8 है, और इसकी हाइट की वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 12 दिया है। तो बोल रहा है इसका क्षेत्रफल बता दो। तो भैया जब समलंब चतुर्भुज होता है ना, इसका क्षेत्रफल जो होता है ना, आमने सामने का जो पैरेलल साइड होता है उन दोनों का एडिशन 2/2 और गुणे हाइट, उनके बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। हाइट मतलब क्या? 12। तो काट लीजिए, 15 और 8 कितना होगा? 15×5=20, 20×3=23, 23/2 × 12, 2×6=12, 23×6 में कर दीजिए, 36×18=8, 1×6=12=19 मीटर है कि सेंटीमीटर? मीटर है तो मीटर का स्क्वायर यह हो जाएगा बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 6x² - x - 2 = 0 है। 6x² - x - 2 = 0 है, तो इसका मान निकालना है, x की वैल्यू निकालनी इसमें। तो हम बताएंगे, सिखाएंगे कैसे गुणनखंड करते हैं। तो 6x मतलब कि ऐसी दो वैल्यू लीजिए जिसका गुणा करने पे 12 आ जाए माइनस का, और जोड़ने पर -1 आ जाए। तो 4 और 3, 6x² - 4x + 3x - 2 बच्चों सॉल्व करिए। इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो क्या बचेगा, 3x - 2। इसमें से क्या कॉमन है, 1 का कॉमन है 1, तो 3x - 2 = 0। इस पूरे में देखेंगे तो 3x - 2 का कॉमन है, तो क्या बचेगा, 2x + 1 बचेगा। यही आपका उत्तर होगा। या फिर x की वैल्यू पूछेगा अगर निकालने के लिए, तो 3x - 2 = 0 एक बार कर लीजिएगा, एक बार कर लेना है, 2x + 1 = 0 कर लेना है, 2x + 1 = 0। तो यहाँ से 2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3x = 2, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 2/3। यहाँ से 2x = -1, x बराबर हो जाएगा -1/2। ये दोनों आपका उत्तर हो सकता है। चलिए अगले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो आपको लगेगा फास्ट स्तर पढ़ा रहे हैं आज ना, क्योंकि मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, ऐसे पेपर सॉल्व करना है आपको। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु पहले कैसे बनता है, वही होली वाला टोपी बना लीजिए, यह तिर्यक ऊंचाई, इसे साइलेंट हाइट कहते हैं बच्चों, इसे एल से दिखाते हैं, इसे एल से दिखाते हैं, और यह हाइट होता है जिसे एच से दिखाते हैं, एच है, यह रेडियस है, वही बोला जा रहा है। रेडियस 6 सेंटीमीटर है, यानी आर की वैल्यू कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है, और एल तिर्यक ऊंचाई, एल की वैल्यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। भैया एल 10 है या 10 है या आर है, या 90 डिग्री बनता है, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एल का स्क्वायर प्लस एच का, एक मिनट, एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से एल की वैल्यू दिया है 10 का स्क्वायर हो गया बच्चों, एच की वैल्यू कितना दिया है नहीं पता है, निकालना है। आर की वैल्यू दिया है आपके पास कितना, प्लस का 6 का स्क्वायर 36, तो ये इधर आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 - 6 का स्क्वायर 36, माइनस कर देंगे तो एच का स्क्वायर आ जाएगा, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 रूट में, यानी कि 8 आ जाएगा बच्चों, एच की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। अब पूछ क्या रहा है, शंकु का आयतन बताइए, शंकु का आयतन कितना होता है आप सभी को पता होना चाहिए, 1/3 πr² h होता है बच्चों, यह होता है शंकु का आयतन। कहाँ से आता है, मैं जब बेसिक क्लास पढ़ाऊँगा तो बता दूँगा वहाँ पर। 1/3 π की वैल्यू कितनी है, 22/7 होता है, आप सभी को पता है। r की वैल्यू कितनी बच्चों, r की वैल्यू दिया है 6 × 6, 2 बार 6 लिख लीजिए, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ इस वाले क्वेश्चन को, इन सभी को। छः गुड़े छः हो गया। h की वैल्यू कितनी बच्चों, h की वैल्यू आपने निकाला है अभी, 8 आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 से 3 × 2 = 6 हो गया, 7 से तो कटेगा नहीं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 6 = 12, 12 × 8 = 96, 12 × 8 = 96 × 22 / 7, 22 × 96 में कर लीजिए, 96 × 22, 2 × 6 = 12 को 2 आत्मा 1, 2 × 9 = 18, 1 = 19, 2 × 9 = 1, 2 × 9 = 11 = 1, 9 × 10 = 2, यानी कि इसको 7 से भाग लगा लीजिए, 7 से भाग लगाना है ना, 7 × 3 = 21, 1 आया, 0 बढ़ा लीजिए, 2 आया, 7 × 7 = 7, 3 × 2 = 5, 0 बढ़ा लीजिए, 7 × 7 = 49, यानी कि कितना आ जाएगा, 301.7 सेंटीमीटर की मीटर, जो भी था बच्चों, सेंटीमीटर था कि मीटर था लिख लेना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है, इतना आ जाएगा, ऐसे लगाना है तब जाके पूरा फुल मार्क्स मिलेगा आपको। चलिए आगे आ जाते हैं। संख्या 7, 14, 12, 19, 21, 24 और 11 की मातृका बताइए बच्चों, 7, 14, 12, 19, 21, 24 और 11 का, पहले इसको हम लोग बढ़ते क्रम में ऑर्डर में लगा लेते हैं। 7 हो गया, इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा क्या है, 11 हो गया, 11 से बड़ा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 से बड़ा बच्चा क्या हो जाएगा, 14, 14 के बाद 19 हो जाएगा, 19 के बाद 21, 21 के बाद 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब आपको पता है यह संख्या जो है ऑड नंबर में है, जब ऑड नंबर में है तो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, n + 1/2 वां पद, तो n कितने नंबर आप पद हैं, 7 हैं, तो 7 + 1/2 वां पद
यानी 7 × 8/2 पद, दोवा पद 8 काट लेंगे तो 4, यानी कि चारवां पद आपका उत्तर होगा। चारवां पद, यही उत्तर चार मत लिख के चले आना, चारवां पद मतलब 1, 2, 3, 4, इसी वजह से हम लोग अरेंज करते हैं पहले, यानी 14 इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। डायरेक्ट अगर वनडे एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन खैर चलिए आगे चलते हैं, दो क्वेश्चन और बचे हैं इसमें, ऐसा ही करना है हम लोग को पूरा का पूरा पेपर। अगर साथ देंगे तो साथ मिलेगा भरपूर बच्चों, आप लोग शेयर करिए, बच्चों को बुलाइए, बस बस तरीके से। दो संख्याओं का योग 24 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 24 है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी के बराबर है, संख्या बताएं, उनमें से एक संख्या दूसरी के दोगुने के बराबर है तो संख्या बताओ भैया, तो संख्या क्या होगी दोनों बताओ। क्वेश्चन नंबर अगला लास्ट, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा, जीवा का मतलब कॉर्ड होता है बच्चों, जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, 16 सेंटीमीटर लंबी है तो केंद्र से जीवा की दूरी बताओ, केंद्र से जीवा की दूरी बताओ बच्चों। देखिए जरा, पहले देखिए दो संख्याओं का योग 24 है, मैंने मान लिया एक संख्या x है दूसरी संख्या y है, दोनों का योग 24 है, लेकिन इसमें आगे बोला जा रहा है उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के दोगुने के बराबर है, यानी कि अगर पहली संख्या x है, पहली संख्या हमने जो माना हुआ है, पहली संख्या जो है बच्चों कितना x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 2x हो जाएगी, बोला जा रहा है ना, पहली संख्या एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, एक संख्या मतलब पहली संख्या जो होगी दूसरे का दोगुना हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का योग y के प्लेस पे क्या आ गया, y इसे माने थे, x इसे माने थे, तो y के प्लेस पे क्या आ गया, x, और x के प्लेस पे 2x, 2x प्लस में x बराबर 24, या फिर इसको ना मानो, इसे लिखने की जरूरत नहीं, पहली संख्या दूसरी संख्या x है तो उसका दोगुना 2x, पहली संख्या तो 3x बराबर 24, तो x बराबर कितना होगा, 24/3, 3×8=24, 8 आपका उत्तर होगा, 8, x बराबर जब 8 है यानी कि दूसरी संख्या 8 है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, 16 और 8 आपका उत्तर होगा, पहली संख्या 16, दूसरी संख्या 8 बच्चों। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यह त्रिज्या है बच्चों 10 सेंटीमीटर की, यह पूरा इधर भी 10 है, यानी कि 10 कितना हो गया, 20 हो गया, और 16 सेंटीमीटर की एक जीवा है, यह जीवा है 16 सेंटीमीटर इसकी लंबाई कितना 16 है, यहाँ से इसकी दूरी बतानी है आपको, पता है अगर यहाँ से इसको सटा देंगे तो यह भी तो त्रिज्या होगा बच्चों, यह भी तो त्रिज्या है, यह भी 10 होगा, और यह जब 16 है तो कोई भी हम बताएंगे आगे आपको जब ज्यामिति पढ़ाएंगे, तो कोई भी अगर जीवा है, जीवा पे केंद्र से जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वह जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, अगर जीवा की पूरी लंबाई 16 है तो इधर का डिस्टेंस 8 होगा और यह वाला भी 8 होगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने कर्ण होता है, अगर थीटा हम यहाँ पे मान लेते हैं तो यह लंब और एक यह आधार, तो आधार को यानी कि केंद्र के बीच और जीवा के बीच की दूरी हम x मान लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, यह हाइपोटेनस है यानी इसे हम ABC अगर मान लें तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर, बच्चों AB की वैल्यू कितनी है 10 बराबर AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू नहीं पता, x का स्क्वायर हमने माना हुआ है, यही निकालना है, CB की वैल्यू 8 है बच्चों, आधा आधा हो गया, आधा इधर तो 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 8 का स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 64 हो जाएगा बराबर x का स्क्वायर, तो 100 में से 64 जाएगा बच्चों 36 आएगा, 36 बराबर x स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट में 36, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, जीवा से केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी बच्चों 6 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया होगा 6 सेंटीमीटर आपका होगा, बताओ बच्चों कैसा लगा पेपर, कल फिर करेंगे एक और 2017 वाला, इस तरह से एक दो बीच में पेपर लाया करेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे जितना उतना ही बेहतर होगा,
और उतनी ही बेहतरीन तरीके से आपको क्लासेस मिलेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है साथ बना के रखें, बहुत जल्द यूपीटेट के क्लासेस भी आपके सामने दिखने लग जाएंगे, आप लोग देखना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही पढ़ेंगे, यूपीटेट एक बार हमने सॉल्व भी करा दिया है, पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट भी करा दिया है। तो चलिए अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल इसी समय और मैथ के क्लास में। धन्यवाद।